Problem is to write a program to add two numbers in Python. Hello everyone, a very warm welcome to WS Cube Tech. My name is Ayushi Jain and आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम लिख सकते हैं कोई प्रोग्राम जो कि हमें ऐड करके देगा दो नंबर्स Python के अंदर. सो गाइज, ये क्वेश्चन करने का हमारे पास दो सोल्यूशन है. दो सोल्यूशन से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं. पहला सोल्यूशन है विद द प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, यानी कि हम पहले से डिफाइन करके रखें, हमारे प्रोग्राम के अंदर हम लिख के रखें कि कौन कौन से वेरिएबल्स हमें यूज करने हैं और उनकी वैल्यूज क्या होगी. वहीं एट द सेम टाइम दूसरा सोल्यूशन है हमारा बाय टेकिंग द यूजर इनपुट, यानी कि हम यूजर से इनपुट लें एंड यूजर हमें बताए कि उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी. यानी कि अगर हमारे पास ऑलरेडी दो वेरिएबल्स हैं जिनके लिए हमने यूजर से इनपुट लिया हुआ है कि इसके अंदर दो नंबर लिखने हैं, तो वो जो यूजर है हमारा वो यहाँ पे हमें दो नंबर्स लिख के देगा और उन नंबर्स को हमारा जो प्रोग्राम है वो हमें ऐड करके देगा. तो दोनों ही मेथड के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं प्री डिफाइंड वेरिएबल्स की, जहाँ पे हमें प्रोग्राम के अंदर ये जो नंबर्स है हमारे जो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यूज है, यानी कि ऐड करने के लिए हमारे पास जो दो नंबर्स होंगे वो हमें पास करने होंगे. तो आइए देखते हैं कि प्री डिफाइंड वेरिएबल्स के साथ ये कैसे किया जा सकता है. सबसे पहले बात किया सॉल्यूशन विद प्री डिफाइंड वेरिएबल्स. यहाँ पे मैं एक नंबर वन से एक वेरिएबल बना रही हूँ एंड एज अ प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ये प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है तो यहाँ पे हमें नंबर पास करने हैं. सो मैं यहाँ पे एक वैल्यू देती हूँ 30 एंड नंबर टू इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं एक वैल्यू देती हूँ 40. इसको हम डबल कोटेशन में इंक्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इंटीजर्स है हमारे पास. चाहे तो आप यहाँ पे फ्लोट्स का भी यूज कर सकते हैं, यानी कि डेसिमल नंबर्स भी यूज कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, बट स्ट्रिंग्स को हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते. सो हमें इसी तरह से इसे लिखना है और उसके बाद हमें क्या कर देना है, हमें यहाँ पे प्रिंट लगाना है किसका सम, नंबर वन प्लस नंबर टू. सो हम यहाँ पे एक चीज ये भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि द सम ऑफ गिवन टू नंबर्स इज, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा के नंबर वन प्लस नंबर टू लिख सकते हैं, या फिर हम चाहे तो यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करके उसके अंदर भी हम नंबर वन नंबर टू लिख के और वैल्यू यहाँ पे पास करा सकते हैं. सो पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर मैं इसको यहाँ पे रन कराती हूँ तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है. सो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है द सम ऑफ द गिवन टू नंबर्स इज 70. वहीं एट द सेम टाइम अगर मैंने यहाँ पे सम नाम से एक वेरिएबल बनाया होता और उसके अंदर लिख दिया होता नंबर वन प्लस नंबर टू, एंड यहाँ पे नंबर वन प्लस नंबर टू पास करने की जगह मैंने यहाँ पे पास कर दिया होता सम को, तब भी हमारे पास यहाँ पे सेम ही आउटपुट आता. सो यहाँ पे सिर्फ मेथड का डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है. आप डिफरेंट मेथड से यहाँ पे सेम आउटपुट ला सकते हैं. तो या तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर वन प्लस नंबर टू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे सम नाम का एक वेरिएबल बना के उसके अंदर नंबर वन प्लस नंबर टू करके हमारे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू पास करा सकते हैं. सो ये तो हो गया हमारा मेथड विद प्री डिफाइंड वेरिएबल्स, जहाँ पे हमने वेरिएबल्स, यहाँ पे जो वेरिएबल्स हमने लिए वो हमने प्री डिफाइन किए, यानी कि पहले से प्रोग्राम के अंदर डिफाइन किए. चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे सेकंड सॉल्यूशन के बारे में. सो गाइज, यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन नंबर टू है विद यूजर इनपुट, यानी कि जब हम यूजर से इनपुट ले सके. मतलब यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने वेरिएबल्स की वैल्यू खुद पास कर दी, बट यूजर से इनपुट लेने का मतलब है यानी कि अगर कोई आपका प्रोग्राम ओपन करता है, कोई आपका प्रोग्राम रन करता है, तो उसके अंदर जो यूजर है यानी कि जो दूसरा बंदा है वो यहाँ पे वैल्यूज दे पाए और नंबर्स को ऐड करा पाए. जैसे कि हमारे पास कैलकुलेटर में बेसिकली वर्क होता है कि दूसरे लोग यहाँ पे ऐड करा सकते हैं. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर वन लिखना है. नंबर वन इज इक्वल्स टू, क्योंकि नंबर इंटीजर में भी हो सकता है, फ्लोट में भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लोट पास करेंगे. क्यों मैं यहाँ पे फ्लोट में यूजर इनपुट मांग रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने इंटीजर लिखा होता है यहाँ पे तो इंटीजर के अंदर हम डेसिमल नंबर्स नहीं दे सकते, बट अगर हमारे पास फ्लोट है तो उसके अंदर हम इंटीजर जरूर पास करा सकते हैं. तो वहां पे वो क्या हो जाएगा कि जैसे अगर हमने 10 भी लिखा तो वो 10.0 हो जाएगा, जिससे कुछ डिफरेंस बनेगा नहीं, बट हमारे पास क्या हो जाएगा, फ्लोट के नंबर्स यहाँ पे आ सकते हैं अगर हम चाहें तो. सो फ्लोट से हम इनपुट लेंगे. यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हम लिखते हैं इनपुट एंड एंटर अ नंबर हियर. सो मैं यूजर को बोल रही हूँ कि एंटर एक नंबर करे. एंड नंबर टू इज इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट, दूसरा वेरिएबल भी हम फ्लोट में ही लेंगे कि एंटर अनादर नंबर हियर. तो हम दो नंबर्स यहाँ पे ले चुके हैं. अब हमें क्या कराना है, इनका सम कराना है. सम इज इक्वल्स टू नंबर वन प्लस नंबर टू, एंड प्रिंट करा देंगे हम यहाँ पे दैट द सम ऑफ द प्रोवाइडेड टू नंबर्स इज, एंड इसके बाद हम यहाँ पे लगा देते हैं कॉमा एंड पास करा देते हैं हमारा सम वेरिएबल. सो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास आउटपुट कैसा आने वाला है.
सो यहाँ पे हमें पूछा गया एंटर अ नंबर हियर, तो मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देती हूँ 12, यहाँ पे अनादर नंबर 13 एंड मैं एंटर दबाती हूँ तो हमारे पास आ जाएगा द सम ऑफ द प्रोवाइडेड टू नंबर्स इज 25। तो इस तरह से हम कोई भी नंबर यहाँ पे आप यूजर्स इनपुट लेके उनका सम निकाल सकते हैं। तो ये हो गए हमारे दो सॉल्यूशन हमारे क्वेश्चन के, जो कि था कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स इन पाइथन। तो दोनों मेथड्स हमने देख चुके हैं कि एक प्री डिफाइंड वेरिएबल्स है एंड दूसरा है यहाँ पे विद यूजर इनपुट, यानी कि यूजर से इनपुट लेके। सो आई होप गाइस कि यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे। आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम्स रिलेटेड कुछ वीडियोस देखने के लिए स्टे कनेक्टेड गाइस। थैंक यू।